सेलिफी वीकेंड का वार में आपका स्वागत है। अगर आपने मिस कर दिया है बॉलीवुड की उन खबरों को जो रही इस हफ्ते सुर्खियों में, तो चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सेलिफी वीकेंड का वार कराएगा आपको रूबरू उन सभी खबरों से, वो भी फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात सलमान खान की फिल्म राधे की। सलमान खान की फिल्म राधे Z5 प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज, पहले ही दिन 4.2 मिलियन व्यूज की ओपनिंग मिली। खतरों के खिलाड़ी स्टार्स पहुंचे केप टाउन और ये सितारे एक साथ खूब मस्ती करते हुए स्पॉट। इस हफ्ते सिंगर मिका सिंह दिखे लोगों को काफी राहत देते हुए। मिका सिंह साइकिल पर दिखे राशन बांटते हुए। ग्लैमरस क्वीन मलाइका अरोरा और अनुराग दादा दिखाई दिए धुनाची डांस करते हुए सुपरस्टार डांसर चैप्टर 4 के सेट पर। इस हफ्ते बॉलीवुड के कई सितारों ने ली कोरोना वैक्सीन की डोज, जिसमें सलमान खान, सोहेल खान सहित शत्रुघ्न सिन्हा का पूरा परिवार शामिल है। सिंगर जावेद अली ने सेलिफी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में खोले अपने बचपन के मस्ती भरे कुछ राज। तो हम लोग क्या करते थे, रोड पे लेट जाते थे और गाड़ी वाला कोई आता था तो गाड़ी वाले मतलब घबरा जाता था। हम 5 लोग होते थे, दोस्त लोग, और रोड पे लेट के और ये सोचते थे कि तो गाड़ी वाला रोकेगा, पूछेगा ये इसको क्या हुआ है। एक्टर सोनू सूद एक बार फिर दिखाई दिए अपने घर के नीचे जरूरतमंदों का हाल पूछते हुए और उनकी हेल्प करते हुए। सिंगर अनुराधा पोडवाल ने अपनी बेटी कविता पोडवाल के साथ लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे। एक्ट्रेस और कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनावत ने ट्विटर पर बैन होने के बाद डर जताया कि अब उन्हें इंस्टाग्राम भी कभी भी बैन कर सकता है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी सोसाइटी के CCTV कैमरे की फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उनके पति अभिनव उनसे जबरदस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही, पर हर हफ्ते बॉलीवुड की पूरी अपडेट जानने के लिए देखना मत भूलिए सेलिफी का वीकेंड बार, हर रविवार हमारे साथ सिर्फ सेलिफी मीडिया पर। अभी डाउनलोड करें सेलिफी ऐप और अपडेट रहें अपने सितारों की खबरों से।